नमस्कार दोस्तों, आप चल रहे हैं बच्चों के एग्जाम। बच्चों के एग्जाम के समय सबसे ज्यादा टेंशन होती है माता पिताओं को, क्योंकि माता पिता सभी जानते हैं और चाहते भी हैं कि बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बने, उसके लिए उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो और उनके लिए तैयारी के लिए अच्छा कमरा मिले, तो उसमें सबसे अच्छा इफेक्ट उनकी पढ़ाई पर पड़ता है। यदि बच्चों की पढ़ाई के टाइम पे या एग्जाम के टाइम पे घर में मेहमान आ जाते हैं तो बच्चों की किचकिच और घर में होने वाली हजारों काम उनकी पढ़ाई को, उनकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई में बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर यदि आप चाहते हैं अच्छे से पढ़े और उसकी एकता में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो वह उसके लिए किस तरह से स्टडी रूम तैयार करें, आज एक जानते हैं इस वीडियो के दौरान। हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बने, और उसके लिए हम उसकी पढ़ाई को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं, ताकि बच्चा पढ़े और पढ़ने के लिए उसे एकांत कमरा भी देते हैं। तो यदि आप अपने बच्चे के स्टडी रूम तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप हरे कलर के पर्दे लगाएं या फिर हरे कलर की दीवारों पर पेंट कराएं, जिससे कि बच्चे का दिमाग हरी भरी चीज़ों में लगेगा और उसका मानसिक तनोबल भी हमेशा शांत रहेगा, जिसकी वजह से उसके जीवन पर, उसकी पढ़ाई पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उसकी वजह से वह अच्छे से पढ़ लिख कर अच्छे मार्क्स लेकर पास होगा। नंबर दो, यदि आप बच्चों की स्टडी के लिए परेशान हो रहे हैं या उसके लिए ज़्यादा चिंता करते हैं क्योंकि बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसके कमरे के सामने की हमेशा डायरेक्शन देखें। कमरे को हमेशा पूर्व और पश्चिम दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि कमरा जिस साइड से सूरज उगता है उस साइड पर यदि आप बच्चे का कमरा तैयार करते हैं तो उस जगह पर बच्चे का मन अच्छे से लगता है और बच्चे का ध्यान भी पूर्व दिशा में होना चाहिए। और ख़ास ख्याल रखें कि बच्चे के स्टडी के रूम के सामने कोई भी टूटी फूटी चीज़ या खिलौने कुछ भी ना रखें, क्योंकि इस चीज़ का इफेक्ट बच्चे की आंखों पर, गले पर, नाक पर, सब जगह पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चों को इन्फेक्शन तक हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि बच्चे के स्टडी के रूम के सामने आप ऐसी चीज़ें कोई भी ना रखें, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई तो दूर होती है, उसकी वजह से आँखों में इन्फेक्शन भी हो सकता है। बच्चे की स्टडी रूम के अंदर जो टेबल होती है उसके ऊपर आप हमेशा कांच की ग्लास या फिर पिरामिड से बने हुए गणेश जी रख सकते हैं, लक्ष्मी माँ रख सकते हैं, क्योंकि गणेश जी की कृपा हमेशा ज्ञान बुद्धि से की जाती है, क्योंकि गणेश भगवान चतुर भी हैं और चालाक भी। इसलिए बच्चे को यदि आप पढ़ाई के डिक्टेशन में लेके जा रहे हैं तो उसके लिए आप गणेश भगवान की आराधना करवाएं और पिरामिड की तस्वीर यानी कि गणेश भगवान की ही पिरामिड दें और उसे टेबल पर रखकर ही बच्चा पढ़े। माँ सरस्वती की भी आप तस्वीर लगा सकते हैं, जिससे कि बच्चों को ज्ञान और बुद्धि मिले और बच्चे का मानसिक तरोबल हमेशा ठंडा रहे और बच्चे को याद अच्छे से होगा। बच्चे का पढ़ने की तरफ ध्यान देखकर आपको ये पता लगाना चाहिए कि बच्चे का किस तरफ ध्यान है, संगीत की तरफ है या फिर किसी राजनीति की तरफ है या फिर किसी एयरफोर्स वगैरह के लिए वह तैयारी करना चाहता है, क्योंकि बच्चे का माइंड जब आप समझ जाओगे तो उसके लिए उसकी तैयारी भी करा सकते हैं। यदि बच्चे को तैयार करना है तो उसके लिए पहले उसके दिमाग को समझना होगा, क्योंकि यदि आप बच्चे के दिमाग को समझ सकते हैं, उसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं कि उसके दिमाग में पढ़ाई का क्या महत्व है और क्या करना चाहता है, तो उससे आपका भी दिमाग शांत रहेगा और आप उसकी पढ़ाई में भी ध्यान से मेहनत करवा सकते हैं। और याद रखें कि यदि बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो या संगीत से रिलेटेड हो, हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में ही रखें, क्योंकि वह दिशा सबसे महत्वपूर्ण होती है, मुख्य स्थान होता है जहाँ से आपको ज्ञान सबसे ज़्यादा अर्जित होगा। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो, उस पर कोई बोझ ना हो, बच्चा अच्छे से मार्क्स लेकर पास हो, तो उसके लिए आप हमेशा स्टडी रूम के सामने कभी भी आईना ना लगाएं, क्योंकि आईना बच्चे को दो गुना बोझ दिखाता है। कभी भी बच्चा पढ़ता हुआ अगर अपने आईने में देखता है या उसकी परछाई उसकी तरफ नजर आती है, तो उससे बच्चे के सर पर बोझ हो जाता है, जिससे बच्चे को याद तो कम रहता है और जिसकी वजह से उसे टेंशन ज़्यादा हो जाती है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, और जिसकी वजह से उसकी तैयारी और प्रिपरेशन में बहुत कमी रह जाती है। तो आप कोशिश करें कि बच्चे के स्टडी रूम के सामने आप आईना बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि आईना लगाने से बच्चे पे विपरीत असर पड़ेगा, जिससे बच्चा याद नहीं कर पाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि बच्चा आपका मेहनत करके पास हो, अच्छे मार्क्स से पास हो, तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल ना करें। कोशिश करें आप हरी भरी चीज़ें रखें, मनी प्लांट रखें, जिसकी वजह से बच्चे की डायरेक्शन में चेंज हो और उसकी दिशाएं चारों तरफ फैले और उसका ज्ञान भी चारों तरफ से अर्जित हो। तो मनी प्लांट का पौधा आप अपने स्टडी रूम में रख सकते हैं। तो ये है वह चीज़ें, यदि आप करते हैं तो आप अपने बच्चे के स्टडी में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करवाते हैं और उससे उस बच्चे का ज्ञान अर्जित होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।